हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंस क्या है? हम हार्ड वर्क करते हैं, हमें हमारी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा होता, ये हमारी सोच है। जबकि रिसर्च कहती है कि आप स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करते, स्मार्ट वर्क करें, आप सोएंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत है जितना आपका काम है। तो हमें कैसे पता लगेगा? एक स्टोरी से जानते हैं। जी हाँ, सब मुमकिन है, आप स्टोरी में बिल्कुल गुम हो जाएं। स्टोरी है कि एक आदमी जो कि अपने घर में होता है, उसको ख्याल आता है क्यों ना एक नया घर बनाया जाए। अब वो गांव का आदमी होता है तो उसको नया घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है। अब उस लकड़ी के सिलसिले में वो जंगल में जाता है और जंगल में अपनी आरी के साथ जाता है और दरख्त काटना शुरू कर देता है। अब जब वो दरख्त काटता है तो एक दरख्त काटा, उसके जब हिस्से करने लगा तो उसको आई मुश्किल, कहता कितना मुश्किल काम है। इसी तरह अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, आहिस्ता आहिस्ता उसको मुश्किल आना शुरू होती है। कहता है क्यों ना कोई ऐसा ऐसी मेरे पास आ रही हो जो मेरा काफी सारा काम झट कर दे। तो उसको सोच आती है कि उन्हें नई आरी खरीदनी चाहिए। वो नई आरी खरीदने के लिए शहर में जाता है और शहर में ऐसा नहीं, सबसे अच्छी हार्डवेयर की दुकान में जाता है। जहां पे जाते ही वो दुकान के मालिक को कहता है कि मुझे वो आरी दिखाओ जो सबसे कीमती, सबसे अच्छी और जल्दी मेरा काम करे। मेरा काम एक महीने का रह गया है और उसको मैं एक दिन में करना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी दिन से उसे कर रहा हूँ। दुकान मालिक कहता है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप दुकान में आए, आपको खाली हाथ भेजेंगे, आपको हम जरूर अच्छी से अच्छी चीज देंगे, लेकिन मेरी दुकान में अभी फिलहाल ऐसी कोई आरी मौजूद नहीं जो आपके महीने का काम एक दिन में करे। लेकिन हाँ, मेरे गोडाउन में जरूर पड़ी है ऐसी चमकदार आरी जो आपको चमका देगी, जो आपके महीने के काम को एक दिन में कर देगी। वो कहता है ठीक है सर आप ले। वो गोडाउन जाता है मालिक और वहां से चमकदार एक आरी लेके आता है और कहता है सर ये लीजिए, ये दुकान की सबसे अच्छी आरी है, ये आपका काम एक महीने का काम एक दिन में कर देगी। ये सुनते ही जो गाँव वाला शख्स होता है वो उसकी बात से पैदरी करता है, उसकी बात में दिलचस्पी रहना जाता है। अब अगली बात आती है पैसों की, तो वो यही करता है दुकानदार। वो कहता है कि सर ये बात आप याद रखें कि इसकी जो प्राइस है वो ज्यादा है, लेकिन मैं आपको ये दावा देता हूँ कि ये काम अच्छा करेगी। अगर इसने काम अच्छा नहीं किया और आपका एक महीने का काम एक दिन में नहीं किया तो आप ये आरी वापस ले आए, मैं आपको पैसे वापस कर दूँ। ये सुनते ही गाँव वाला आदमी तो कहता है झट उसे पैसे देता है और पड़ से निकल जाता है। और इसी तरह जब वो जाता है अपने घर तो वो अपने काम में लग जाता है, अपने काम करना शुरू कर देता है। तो आम रूटीन की तरह जो दुकान का मालिक होता है वो अपने रोजमर्रा के काम कर रहा होता है कि एक दिन वो अपनी दुकान में बैठ के काम कर रहा होता है कि बाहर से एकदम शोर की आवाज आती है और शोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। तो वो देखते जाके बाहर के क्या हुआ, तो एक आदमी जिसका हुलिया बिल्कुल अजीब होता है, कपड़े फटे हुए होते हैं, कपड़ों पे खून लगा होता है और पसीना लगा होता है, हालत बुरी होती है, आंखें ऐसी कि पता नहीं कितने दिन से नहीं सोया। वो पूछते हैं भाई साहब क्या मसला है, तो जब वो कहता है कि भाई क्या मसला है आपके साथ, आपने मेरे साथ धोखा किया है। वो कहता है सर आप कौन है, कहता है मैं वही हूं जिसको तुमने आरी दी थी, ये आरी किसी काम की नहीं, ये अपनी आरी ले लो और मेरे पैसे मुझे वापस कर। जो दुकान का मालिक होता है कहता है सर आप क्यों परेशान कर, आप आए यहाँ पे बैठे, तशरीफ रखे, पानी पिए। पानी पिलाने के बाद वो कहता है सर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हो गया, हमारा तो कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती। वो आदमी कहता है मैंने तो इतना इसको कोशिश की, मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, इतना काफी दिन हो गए, मैं इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, लेकिन इसने वो काम नहीं दिखाया जो तुमने बोला था। तो दुकान का जो मालिक होता है वो जैसे उसको अपने हाथों में लेता है और उसको दिखाता है कि इसका क्या फंक्शन है, इसको कैसे चलाना है। तो जब उसको फंक्शन दिखा रहा होता है तो वो बटन दबाता तो आवाज आती है और उस आवाज सुनते ही गांव वाला आदमी तो परेशान हो जाता है, कहता है ये क्या। तो इस तरह वो आरी ऑटोमेटिक होती है और उस आदमी की इतनी ज्यादा एफर्ट मेहनत जाया हो जाती है जबकि वो ये काम बहुत आसानी से कर सकता। तो इस तरह हमें नई रिसर्च भी कहती है कि आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स काफी सारी आएंगी, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स में अपनी आज के दिन की इस मिनट की इस सेकंड की प्रॉब्लम्स में हैं तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको अपनी अभी की प्रॉब्लम से बाहर आना है और सलूशन ये देखना है कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है और जड़ कैसे पता लगेगी। फॉर एग्जांपल एक दरख्त है, जब हम उस दरख्त को सोचते हैं अपनी दरख्त हमारी प्रॉब्लम्स है,
अब हमें उस दरख्त अगर हम उसकी जड़ काट दें तो दरख्त गिर सकता है, अगर हम उसके सिर्फ टहनियां काट दें पत्ते काट दें तो इससे हमें नहीं होगा, तो हमें उसकी जड़ को काटना पड़ेगा जिससे हमें हर प्रॉब्लम को फेस करना है और उसके पीछे का राज जानना है कि क्या राज है। जो यकीनन जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं रोकेंगे, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे। और यकीनन स्मार्ट वर्क ही हमें हमारे कामयाबी, हमें हमारे काम को जल्द पूरा करने में मदद करता है। हम इसी तरह हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।